कमा खनीसा और आप सभी को मेरी ओर से होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सभी की होली कैसी गई? मेरी तो बहुत अच्छी गई और आई विश कि हर साल ऐसी ही जाए सब लोगों की जैसी मेरी गई। और तो फाइनली अब मैं हो गई हूँ नादों के रेडी और मैं नहा ली हूँ। मोनिका भाई साहब नहा लिए, बस अभी रेडी होने जाएंगे। और सो कैसा रहता आज का डे, क्या करते हैं, सो फुल डे आपके साथ में शेयर किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे आप में से कोई भी नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ओके चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में हम लोग। ये देखो ये लड़की नहा के जस्ट निकली ये भाग गई, बोलती रुक जाओ मुझे रेडी होने दो, उसके बाद में मैं दिखाऊंगी। अच्छा चलो मैं दिखा दूँ मेरी मेहंदी। अभी मैंने नेल पेंट नहीं लगाया बट मेहंदी का कलर बहुत अच्छा है। जब मैंने सिंपल मेहंदी लगाई, मुझे ये जो रुपया वाली मेहंदी होती है ना, मम्मी बोलते हैं ये रुपया वाली मेहंदी होती है सिक्के वाली, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ। बहुत कम होता है जब मैं मतलब डिज़ाइन से मेहंदी लगाती हूँ, बाकी ऐसे ही सिंपल सोबर एंड बेस्ट। चलो फिर हेलो एवरीवन, कमा गणी कैसे हैं आप सभी, और आप सभी को मेरी तरफ से होली की राम राम। और अभी तो हमने वैसे होली खेली नहीं है, हम खेलेंगे थोड़ी देर बाद में। दीदू आप क्या कर रहे हो? कान्हा को नहलाएंगे। और आज हम नहलाने वाले हैं? आज नहीं, हम कान्हा जी को नहलाएंगे। कान्हा को नहला के और होली है तो कान्हा को भी रेडी कर देते हम लोग। सो होली है तो पहले कान्हा जी को हम हनुमान कराएंगे, फिर हम लोग भी उनके संग पहले होली उनके साथ खेलेंगे। तुलसी ले रहा, तुलसी पत्ता। ओके सप्ता सर। ओके तो हम लोग लेने हम जा रहे हैं ऊपर छत पे तुलसी लेने। और चलिए हम आपको अपने पौधे भी दिखा देते हैं जो हमने लगाए थे। सो हमारे पौधे जी हमने ले ली है तुलसी। और अभी मैं गई थी तो मैं न्यू झुमके लेके आई थी, अच्छा लग रहा है ना। लो आपके फोन बज रहे हैं, उठाऊं क्या? देखो फोन है। पहले हमारे कृष्ण जी नहाले, फिर हम इनके संग होली खेलेंगे। वैसे आज सुबह से हम लोग सिर्फ किचन में लगे हुए हैं क्योंकि होली हमारी बन चुकी है आज, क्योंकि इतने आने जाने वाले थे तो सारे दिन आज हमें चाय चाय चाय, तो आज हम सारा दिन हमारा वही हो गया कि सारा दिन हमें चाय बनानी थी। तो आज सुबह से हम सिर्फ किचन में लगे हुए थे, अभी हम थोड़े से फ्री हुए हैं, फिर अब हम खेलेंगे थोड़ी देर बाद में होली। वैसे मेरे गांव की फर्स्ट होली है तो मैं हमेशा अहमदाबाद में ही रहती हूँ होली के टाइम पे, क्योंकि गांव में भी हूँ। वैसे रात को तो हम लोग, अच्छा आपके पास हूँ क्या? Thank you.
आज कान्हा जी और मैं सेम पिच हो जाएंगे, येलो येलो तो ये हमारे कान्हा की न्यू ड्रेस और ये इनकी ज्वेलरी। कान्हा जी सेम पिच, येलो येलो। सुमहानी कर रही है कान्हा जी को रेडी। एक सेकंड देते हैं। कहना मैं रखी तो थी, कहाँ पे रखी थी? नजर नहीं लग रही। वैसे मेरी आवाज बहुत ही बेकार है, बेसुरी बेसुरी। हाँ, मुझे जो सब बोलते हैं मनोज जी आप कुछ भी करो, बस गाना मत गाया करो। सो ये है हमारे प्यारे से कृष्ण जी, देख लीजिए कितने क्यूट लग रहे हैं। हाय महारानी, काला टीका लगा दियो नजर ना लगे हमारी। होली खेले हम तो आपके साथ कृष्ण, आपके हर हर गोविंद। मम्मा
होली इसलिए हैप्पी होली लड्डू गोपाल। थोड़ा सा कलर लगाना तो बनता है क्योंकि आपका स्पेशली है ना होली। थोड़ा से हमारे गजानन जी को भी हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो ये हमारी बन रही है सेवई। मैंने बनाई तो थोड़ी सी और कढ़ाई इतनी बड़ी थी क्योंकि मुझे छोटा कोई बर्तन खाली नहीं दिखाई दिया। और ये साइड में बन रही है हमारी चाय, इसका दूध और सब्जी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। इसमें रोटी है, बस ये बन जाए फिर भगवान को भोग लगा के फिर हम लोग खाएंगे। तो फाइनली खाना तो रेडी हुआ और खाना वाना खा के फिर देखते क्या करते हैं, मतलब जाएंगे कहीं पे। जैसे कि पास में गांव भी जाके आना है और कोशिश करेंगे अगर हो गया तो मंदिर भी जाएंगे हम लोग, बट मंदिर का कंफर्म नहीं है, चले भी जाए नहीं भी जाए। बुना चाय छान दिए इसने, इतने बड़े बड़े झुमके पहन रखे, काम तो दर्द होंगी बट अच्छे लग रहे हैं। ये अभी लेके आया था, हम लोग गए थे जिस और ये मेरा पति जो कि अभी तक नहाया नहीं है। टाइम क्या हो गया पता है, 11-12 बजने जा रहे हैं और त्योहार के दिन भी ये अभी तक नहाए नहीं है। ऐसे क्या कर रहे हो? दिखाऊंगी इधर आओ, दिखाऊंगा आपको। नहीं रहने दो, चलो बनियान में। इंजन में अच्छा लग रहा हूँ मैं फिलहाल, बनियान में भी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है? हाँ, कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है? हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ। झुकेगा नहीं साला ये पुष्पराज। सोकन और नीचे गिरने था फिर पता चलता है कौन झुकता है कौन नहीं झुकता है। पुष्पराज सबसे पहले झुकेगा। लेकिन यहाँ पर है बब्बर शेर। और ये मिला बब्बर शेर। बब्बर शेर की यार टाइंडाई फिश हो गई है ना। आज मेरे बेटू की तबीयत खराब है, इसको फेवर हो गया था रात को, सर्दी जुखाम भी है। और क्या बेटा आपको? कान में कचरा घुस गया। कान में भी कचरा घुस गया तो कान में दर्द हो रहा है, इसलिए कृषा अभी सो के उठी है थोड़ी देर पहले ही और अभी नहाया नहीं है कृषा ने। कृषा तो नहीं लाएगा कौन? और दो तीन दिन मम्मा नहीं लाएगी ना। नहीं लाएगा कौन? ऐसे कौन बोलता बेटा नहीं लाएगा कौन? मम्मा नहीं लाएगी ना। और दो तीन दिन की सफाई में हमारे सारे नाखून टूट गए। इतनी मेहनत तो बड़ा करी और पूरा का पूरा टूट गया हमारा। ये सफाई हमें बहुत महंगी पड़ी। नाखून टूट गए जो मेहंदी दिखा, मेहंदी मेहंदी दिखा, मेहंदी नहीं देखनी आप लोग। रात को देखो मेहंदी बना रहे थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसको राउंड राउंड कर रही थी मैं, ये क्या बन गया? राउंड की जगह चौरस हो गया है। ये गोल ही नहीं हो रहा, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, मतलब मैं इसको राउंड में लेने की कोशिश कर रही थी। ये स्क्वायर में हो गया, स्क्वायर में। कोई नहीं, इसलिए मैंने फिर फटाफट धो भी ली थी पर रच तो गई। क्या कर सकते? हाँ मथारसू बहुत प्यार करूँ ना जड़ा। हाँ। मारो मारा प्यार को रंगा इनको। हमारे यूट्यूबर का प्यार है सबका। हाँ सही है, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है उनका प्यार है ना। हाँ। तो आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहो। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर जिसने भी नहीं किया, क्योंकि देखा है मैंने बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे
कुछ लोग तो ऐसे मतलब देख भी लेते हैं ब्लॉग, लेकिन है ना कुछ कमेंट नहीं करता। अच्छा बुरा जो भी है कमेंट आप करो तो सही, हमें भी तो पता चले कि क्या ठीक बना रहे हैं हम लोग, ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर किसी की कुछ डिमांड है तो उस तरह से बताओ, तो हम लोग कुछ चेंज करने की कोशिश करें, कुछ नया लाने की कोशिश करें। अच्छा वैसे बताओ अपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। हाँ हमने सोफे वगैरह बाहर शिफ्ट कर लिए, बाहर वाले रूम, पहले अंदर वाले रूम में था, बाहर इस हॉल में कर दिए क्योंकि अंदर जगह बहुत कम पड़ रही थी इसलिए। और हो सके तो बेल आइकन को भी ना दबा दो जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज मतलब फिर से मैंने फाग का ड्रेस पहना है क्योंकि मैंने सोचा कि अब जैसे कि होली चली गई, अब होली के बाद में ज़्यादा कोई पहनते नहीं है ना, तो मैंने सोचा अब लास्ट है तो मैं पहन लेती हूँ आज आज, और फिर इसे रख दूँगी वापस से, क्योंकि होली के बाद में ना फाग का ड्रेस कम ही अच्छा लगता है। पहले तो सब लोग ऑलमोस्ट सभी पहनते ही रहते हैं लेकिन होली के बाद तो कोई पहनता नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि आज लास्ट बार पहन लूँ, फिर अंदर रख देंगे, फिर नेक्स्ट ईयर काम आएगा। और अगर कुछ और नहीं तो यार मतलब कुछ ख़राब थोड़ा हो, कपड़े ख़राब थोड़ा होते यार, फेंकने के लिए थोड़ा होते हैं, औरतें एक नंबर की। सो मैं दिखाती हूँ आपको मेरी लापसी बन सॉरी सेमी बन चुकी है एकदम मस्त जगह सॉरी, मुझको देख के मुंह में पानी आ रहा है। इसके ऊपर हम लोग ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे तब ये एकदम रेडी हो जाएगी। कुछ लोग पहले ही डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स लेकिन मैं लास्ट में डालती हूँ क्योंकि मुझे है ना वो जब थोड़ी सी कुटर कुटर की आवाज़ आती है ना तो मुझे अच्छा लगता है, और वैसे वो एकदम गीले गीले हो जाते हैं तो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैं लास्ट में डालती हूँ। चलो तो अब जिस जिसको खाना है वो आ जाओ, मतलब हाँ। अभी तो हमने सेवई बनाई है क्योंकि आप लोगों के लिए बनाई है, आ जाओ खा लो। और कुछ बनाने का मूड था नहीं और किसी का भी मीठा खाने का इतना ज़्यादा मूड था नहीं, लेकिन मैंने फिर भी बना दी। और रात को तो हम लोगों ने बनाए थे चावल और जो साबुत मूंग होते हैं ना वो बनाए, क्योंकि मेरे पेयर में ऐसा होता है बोला जाता नहीं नहीं मतलब मम्मी बनाते हैं शुरू से कि मान जाओ कृष्ण होली का दहन होता है ना उस दिन है ना रात को मूंग साबुत मूंग और चावल बनाते हैं, ठीक है फिर अलग अलग बनाते हैं फिर उनको दोनों को मिक्स करके खाते हैं घी बूरा डाल के, तो मैंने वही बनाया था। और यहाँ पे तो मम्मी जी वगैरह हलवा वगैरह बनाते हैं लेकिन मुझे वही अच्छा लगता है तो मैं वही बनाती हूँ, और वो ऐसे नॉर्मली हम लोग कोई टाइप में बनाते हैं ना तो हमें बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन जब होली दिवाली स्पेशली बनाए जाते हैं, दिवाली को भी हमारे उसका भोग लगता है चावल और मूंग का और होली को भी, तो मैंने रात को वही बनाए थे और अभी सेवई बना दिए हो गया, और ज़्यादा कोई कुछ खाने वाला भी नहीं है तो फिर क्या करती हूँ। सो आगे हमारी चाय मेरी लगभग ठंडी भी हो चुकी है लेकिन फिर कोई नहीं पी लेंगे, हम चाय के दास हैं। आजा मोन की, और अभी मोनिका का पता है बुरा हाल हो रखा है क्योंकि मोनिका को लगता है छिपकली से डर है ना, और अब जैसे जैसे गर्मी स्टार्ट हुई ना वैसे वैसे, और हमारे किचन के अंदर इतनी छिपकलियाँ हो गई है और गैस के नीचे आके बैठ जाती है, जैसे कुछ खाना वाना बनाने जाओ ना गैस के नीचे घुसी रहती है, फिर हमारी मैडम जाती नहीं है किचन के अंदर, फिर मुझे आवाज़ देगी दीदी आओ छिपकली घुस गई है ऐसा वैसा, फिर वो छिपकली निकालेंगे, टॉयलेट में नहीं जाएगी, टॉयलेट के अंदर छिपकली रहती है। पूरा बताऊंगी ना यार, मतलब मेरे को बहुत परेशानी करती है ये, मतलब इसका अब गर्मियों गर्मियों में त्रास रहेगा, इसको नीचे बैठने में भी तकलीफ है ऊपर से, और छिपकलियाँ भी वॉशरूम की गजब का सितम ढाती है, ऊपर चलते चलते जमीन पे भी चलने लग जाती है, बोलो मतलब सारी गर्मी उन्हीं को लग रही है, और मैं कितना भी खोलूं इसको ये खुल रहा ही नहीं, ये खुला हुआ है बेटा कैसे खुलेगा। चलो तो ठीक है अब आगे क्या करते हैं फिर वो और शेयर करते हैं आपके साथ। वाह ये जीजा साली का प्यार, ये मस्त
नहीं मन क्यों खिलाई तू? ये हमारे यूट्यूबर के लिए। कितनी गंदी है आवाज तो। मैंने बसन में नोट डाल दिया था। तो हमारा खाना चालू है। इनको मैंने कपड़े नहीं पहनने दिए ना, क्या है जो पहले खाना खा लो फिर बाद में ही आप चेंज कर लेना, कपड़े पहन लेना। आ तो गए आप लोग के अंदर। बोलते हैं आप मुझे लेना मैं कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे बनियान में नहीं रहेंगे। अभी पहन लेंगे ना बेटा। नीचे पेट भी दिख रहे। वो थोड़ा बहुत रहेगा ना यार। थोड़ा बहुत नहीं, अभी बहुत ज्यादा। वैसे अभी मेरे जूस है ना एक्सरसाइज पे उतरे हुए हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट तो कर दी है, देखते हैं कब परवाने चढ़ती है। चलो फिर खाना खा लेते, खाना खाने के बाद में मिलते हैं। मैडम कैसा लग रहा है आपको होली खेल के? तू तारो काम कर ले, समझ आई को नहीं? देखो इस चोरी को देखो, ये मेरे पीछे हाथों के पड़ी हुई है। हैप्पी होली। सुबह से बसता हुआ घूम रहा था, मामला पूरा गड़बड़ा गया। ये देखो, ये देखो, ये सब। मम्मी एक बार ये देखो। Oh,
होली और बड़े मजे आए आज तो होली खेल के। सबकी शक्ल ऐसी हो गई थी भूत जैसी और दीप साहब बच बच के भाग रहे थे। लास्ट में इनको भी खतरनाक रंग दिया गया और ये मोनिका मोनिका को भी बहुत भयंकर तरीके से रंग दिया गया था। पर हमको बहुत मजा आया है ना क्रिशु। मतलब आज की होली हमने फुल एंजॉय की है ना दीप साहब। मजा आ गया सब। आज की होली तो ये समझो कि यादगार हमेशा के लिए। मतलब और हम लोगों ने जो गाने पे डांस किया वो एक गाना हमारा फिक्स था लास्ट पे। मजा आ गया। हाँ जो सर बार बार उसी रिपीट करवा रहे थे लास्ट वीक पर सर में बहुत मजा आया है ना। मजा बहुत आया था। मजा इसलिए आया क्योंकि हमारे जेठू जी भाई साहब और सभी अभी मतलब जिनकी अभी शादी हुई थी सारे अभी आए हुए थे और उनके साथ में उनकी शादी के बाद की फर्स्ट होली थी तो बहुत मजा आया। इसलिए हमने सोचा कि सबके साथ में खेल लेते हैं वरना मैं कभी होली नहीं खेलती हूँ। मैं भी नहीं खेलती, दीप साहब भी नहीं खेलते कभी भी होली तो। बट लेकिन अब की बार सब भाई साहब आए हुए थे तो सोचा कि खेल लेते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं। क्या टाइम हो गया दीप साहब, क्या टाइम हो गया? 8 बज चुके हैं, 8:30 होने जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं दीपसा के फ्रेंड के घर पे जो कि सुबह से बुला रहे थे और हम लोग सुबह से जा नहीं पाए थे और अब जा रहे हैं हम लोग। और हमारे फ्रेंड का नाम बता देता हूँ मैं, उनका नाम है सुशील ढाका। तो सुशील जी स्वागत करो हमारा, हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। और ये आपको मैं बता दूं मेरी शक्ल तो दिखाओ यार। हाँ, हाँ। वैसे भी नहीं दिख रही है आपकी शक्ल। बोले एक मिनट लो टॉर्च करती हूँ। हाँ अब दिख। ओहो पड़को पड़े पड़को ईद को चांद। किसो आप शांति से बैठ जाओ बेटा नहीं तो गिर जाओगे। अब हम फ्री हुए हैं। सुशील जी को मैंने फोन किया, मैंने कहा यार मैं आ रहा हूँ और फिर घर पे जाऊंगा मैं। तो उन्होंने बोला मैंने आपके लिए क्या बनाऊं। मैंने कहा यार आप चाय बनाओ हमारे लिए। बोल गए नहीं आप बोलो। वो बोल रहे हैं दाल फ्राई मटर फ्राई पता नहीं क्या क्या बोल रहे। मैंने कहा क्या होटल खोल रही है क्या? सब फ्राई फ्राई आने वाला है। मैंने कहा सुशील जी की वाइफ तो है नहीं यहाँ पे, पियर है तो उनके मम्मी है। मैंने कहा क्यों परेशान कर रहे हो, खाली चाय पियेंगे हम और चाय पी के फिर हम लोग वापस फटाफट निकल जाएंगे वहाँ से। अच्छा मतलब पूरा तेल मतलब निकालना तो वाइफ को ही निकालना। और ये मतलब हमें भी लेके जा रहे हैं जबकि हमारी शक्ल ऐसी हो रखी है। शक्ल चलो मुंह तो फिर भी हम लोगों ने धो ली लेकिन कपड़े वपड़े ऐसे हो रखे ना हम लोगों के खराब जिसकी कोई हद नहीं। और इसी हाल में लेके जा रहे हैं। अच्छा है कि सबने गुलाल से खेला, पक्के रंगों से किसी ने भी नहीं होली खेली। हाँ होली खेलो लेकिन गुलाल से खेलो, पता ही नहीं चल रहा है ना ज्यादा होली खेली तो। नेचुरली होली जो है गुलाल से खेली जाती है। और ये कलर वाला सिस्टम क्या होता है कि आजकल केमिकल के कलर आते हैं और रिएक्शन कर जाते हैं। किसी को आजकल खाना भी वैसा है सूट नहीं होता है, बहुत कम सूट होता है आजकल, सूट नहीं होते। किसी को साइड इन्फेक्शन हो इससे अच्छा आप गुलाल से खेलो और ये बेस्ट है। और हम लोगों ने आज इतनी मस्ती की बस पूछो मत। मजा आ गया, मतलब जैसे लाइव चैट हो गई ये मान लो। रुको ना, तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि हम लोग उनके घर पहुंचने वाले हैं। तो ठीक है, और आज का व्लॉग आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना। और अगर कोई भी चैनल पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, फिर मिलते।